हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण की सीरीज में आज हमारा यह दूसरा वीडियो है जो कि काव्य गुण पर आधारित है, जिसमें हम आज ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण के बारे में जानेंगे। हमारा पिछला वीडियो काव्य बोध पर आधारित था, जिसमें हमने काव्य की परिभाषा एवं काव्य के विभिन्न भेदों को देखा था। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, आप वहां देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं काव्य गुण। काव्य गुण शुरू करने से पहले हम इसके इतिहास की एक झलक देखेंगे। गुणों के भेद प्रभेदों का निरूपण सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि, जो कि प्रथम शताब्दी में हुए, द्वारा स्वरचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया गया था। इन्होंने काव्य में निम्न 10 गुण स्वीकार किए। तो यहाँ पर जो भी मैं महान आचार्य हैं उनके नाम लिखे हुए, उनके साथ ही मैंने कुछ महान उनके रचित ग्रंथ हैं उनको भी लिखा है, जो कि परीक्षा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हैं, तो उनको ध्यान में रखें। श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्य मोज पद सौकुमार्यम् अर्थस्य च व्यक्तिरुदारतः च कांतिश्च काव्यस्य गुणः दशेते। अर्थात काव्य निम्न 10 गुण होते हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य गुण, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामा ने भी काव्य के 10 गुणों को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने प्रसाद व माधुरी गुण को सर्वाधिक पसंद किया, उसकी प्रशंसा की। आचार्य दांडी ने भी भरत मुनि के ही अनुसार काव्य के 10 गुण स्वीकार किए, और दांडी के पश्चात आचार्य वामन ने मुख्यतः 2 प्रकार के गुण स्वीकार किए, अर्थात उन्होंने गुणों का विभाजन शब्द गुण एवं अर्थ गुण में किया। पुनः इन दोनों गुणों के अंतर्गत 10-10 भेद करके कुल 20 गुण स्वीकार किए हैं। वामन के पश्चातवर्ती आचार्यों में आचार्य भोजराज हैं, जिनकी रचना है सरस्वती कंठावरण, जो काफी प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने 48 गुणों को 24 शब्द गुण और 24 अर्थ गुणों को स्वीकार किया है। इन्होंने जो शब्द गुण थे उनको बाह्य गुण कहा, तथा जो अर्थाश्रित गुण थे, अर्थ पर आधारित गुण थे, उन्हें अभ्यांतर गुण कहा है। आचार्य मम्मट ने स्वरचित काव्य प्रकाश जो रचना थी उसमें 3 गुणों को स्वीकार किया: प्रसाद, ओज एवं माधुर्य। आचार्य विश्वनाथ की स्वरचित साहित्य दर्पण में भी उन्होंने 3 गुणों, प्रसाद, ओज व माधुर्य को ही स्वीकार किया है। इसके पश्चात पंडित जगन्नाथ जो हैं, उन्होंने भी रस गंगाधर रचना में प्रसाद, ओज एवं माधुर्य 3 गुणों को स्वीकार किया है। अंततः मुख्य रूप से काव्य के 3 ही प्रकार माने गए हैं, जो कि ओज गुण, माधुर्य गुण एवं प्रसाद गुण है। ओज गुण क्या होते हैं? ओज गुण का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह, नवीन स्फूर्ति, साहस, शौर्य, पराक्रम और बलिदान आदि का संचार होने लगे, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। अर्थात ऐसी रचना जिसको सुनते ही आपके हृदय में उत्साह और उमंग का संचार हो जाए, शौर्य पराक्रम जैसे विचार आपके हृदय में अपना स्थान ले लें। तो विशेषताएं क्या है? यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। अर्थात वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस में रची गई जो रचनाएं हैं उनमें ओजगुण प्रधान होता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्ताक्षर मुख्यतः 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ, श्र, और इसमें संयुक्त वर्ण रा के संयोग युक्त ट, ठ, ण, ण का प्रचुर भी होता है। समासाधिक और कठोर वर्णों की भी प्रधानता होती है। उदाहरण: बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला है: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, फट फट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे। तो यहाँ तीनों ही उदाहरणों में ओज, उत्साह, उमंग, साहस, शौर्य से परिपूर्ण है, और अंतिम
जो उदाहरण है हमारा, उसमें तो युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है, जो कि देखने में और भी ज्यादा उत्साह और बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। माधुर्य गुण, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ आनंद मधुरता का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अर्थात किसी काव्य को सुनते ही आपके हृदय में मधुरता का संचार हो, वहाँ माधुर्य गुण मौजूद है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस वाली रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। वही माधुर्य गुण युक्त काव्य कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों के प्रयोग किया जाता है, जैसे क ख ग च छ झ झ त थ न। इसमें ट वर्ग के जो वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें सरल एवं छोटी छोटी शब्दावलियों का उपयोग होता है। इनमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है। अल्प समास या समास का अभाव होता है, या तो समास का अभाव रहेगा, अगर समास का उपयोग किया जा रहा है तो बहुत ही अल्प होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय आर्द्रता, समास रहितता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य माधुर गुण युक्त काव्य होता है। उदाहरण के लिए, बसो मोरे नैनन मैं नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इस उदाहरण को पढ़ते ही हमें बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव हुआ और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। इस प्रकार यह एक माधुर गुण युक्त रचना है। अन्य उदाहरण, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तीसरा है, फटा हुआ है नील वसन क्या, ओ यौवन कीमत वाली, देख अंकिचन जगत लूटता, छवि तेरी भोली भाली। तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ जो है वो निर्मलता प्रसन्नता है। वह काव्य गुण जिसमें भावार्थ सरलता या आसानी से प्राप्त होते हैं, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा काव्य जिसको पढ़ते ही उसका भावार्थ करने की आपको आवश्यकता ना पड़े, वो सीधा आपके हृदय में उतर जाए और आपको बहुत शांति का अनुभव हो, वहां आपको प्रसाद गुण मिलता है देखने को। विशेषताएं, इस गुण से युक्त जो काव्य है वो सरल, सुबोध और सुग्राह्य होते हैं और इनमें सभी तरह के रसों में पाए जाते हैं। ये जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है, क्योंकि हमें भावार्थ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। उदाहरण, हे प्रभु ज्ञान दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अगला उदाहरण है, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तीसरा है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वास्तव में बहुत ही शांति का अनुभव कराते हैं ये उदाहरण। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भवरे झूले। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। हमारा अगला विषय जो रहेगा वह रहेगा काव्य के अंग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। इसके लिए इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।